अस्सलाम वालेकुम। आज कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सब कुछ ज़मान में रखे, आमीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वाटरिंग फेस पैक लेके आई हूँ, जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर करेगा और आपके फाइन लाइन्स, पिगमेंटेशन और क्लीन मॉइस्चर के निशान वगैरह को भी रिमूव करेगा। तो इसके लिए हमें जिन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है रोज़ पाउडर। रोज़ पाउडर आप मार्केट से भी ले सकते हैं और इसे आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे घर में बनाया क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें मार्केट से नहीं लेती, क्योंकि उनमें केमिकल होते हैं। तो आप गुलाब की पत्तियां ले लें या फूल ले लें, तो उनको आप ड्राई कर लें 5 से 6 दिन के लिए किसी भी खुले बर्तन में रख दें, लेकिन आपने उनको धूप में नहीं रखना। तो किसी कमरे में रख दें उनको खुली जगह पे। जब वो 5 6 दिन में बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, ड्राई होने के बाद आपने उनको ब्लेंडर में ब्लेंड करके उनका पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे हमने लिया है रोज़ पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे लिया है बेसन, 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है टर्मेरिक हल्दी, एलोवेरा जेल, रोज़ वाटर, आलमंड ऑयल और विटामिन ई के कैप्सूल्स। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक खाली बाउल लिया है मैंने यहाँ पे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब के मुताबिक रखते हैं। ये बहुत अरसे, इसका रेगुलर इस्तेमाल बहुत अरसे तक आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगा और आपको एक यंगर लुक देगा और आपकी फाइन लाइंस को रिमूव करेगा। आप अगर इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो बहुत लंबे अरसे तक ये आपके फेस पे एक बहुत ज़बरदस्त ग्लो भी लाएगा और आपके फाइन लाइंस को भी रिमूव करेगा और आपकी स्किन बहुत लंबे अरसे तक स्मूथ रहेगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून रोज़ बटल पाउडर। क्वांटिटी आप अपने हिसाब के मुताबिक बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे यहाँ इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून बेसन। बेसन आपको पता है ज़माना कदीम से औरतें अपने हसन को निखारने के लिए इस्तेमाल करती आ रही हैं, तो बेसन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। रोज़ बटर पाउडर में विटामिन सी पाया जाता है और बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो ना सिर्फ आपके कलर को फेयर करेगा बल्कि आपके फेस पे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ग्लो लाएगा और आपकी फाइन लाइंस को रिमूव करेगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, सॉरी 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी टर्मेरिक, तीन से चार ड्रॉप आपने इसमें आलमंड ऑयल की ऐड करने हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई का ऑयल्स है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। ये होममेड एलोवेरा जेल है, मार्केट वाला नहीं है, ठीक है ना। इसको मैंने एक फ्रेश एलोवेरा का लीव लेके उसका गोदा निकाल के, तो मैंने उसको ब्लेंड करके उसकी मैंने एलोवेरा जेल बनाई है और इस जार में मैंने सेव कर लिए है, क्योंकि मार्केट वाली एलोवेरा जेल में केमिकल्स होते हैं और वो खालिस भी नहीं होती। तो यहाँ पे मैं लूँगी 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। अगर आप एलोवेरा जेल को रेगुलर यूज़ करें तो ये इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आपके फेस पे निखार और ग्लो लाता है। तो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर।
यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने इसमें रोज़ वाटर ऐड किया है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसको अप्लाई आपने किस तरह करना है, सबसे पहले आपने अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। आप जब भी कोई फेस मास्क अपने फेस पे अप्लाई करें तो अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लें ताकि तमाम डस्ट वगैरह आपके फेस से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे हमें एक ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से आपने इसे अपने सारे फेस और गर्दन पे अप्लाई करना है। इसके पहले पहली दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी और आपके फेस पे एक ज़बरदस्त सा निखार लाएगा। आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा, एक्ने वगैरह को भी रिमूव करेगा। आपकी स्किन को बहुत लंबे अरसे तक ये स्मूथ बनाएगा और आपकी फाइन लाइंस को भी ख़त्म करेगा, क्योंकि बढ़ती उम्र के असरात न सिर्फ हमारे फेस पर नुमाया होते हैं बल्कि इससे हमारा पूरा जिस्म मुतासर होता है, हमारी बॉडी में एक ढीला पाना जाता है। तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट करेगा। अगर आप इसे एक भी रेगुलर यूज़ करेंगे तो इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो इसको 20 मिनट के लिए आपने अपने फेस और नेक पे अप्लाई करना है और ड्राई होने के बाद आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है और कोई भी अच्छा से मॉइस्चराइजर या टोनर अपने फेस पे अप्लाई करना है। ये केमिकल से फ्री है, इसमें कोई भी चीज़ मैंने केमिकल वाली यूज़ नहीं की। तो आप मार्केट वाली क्रीमों पे फजूल पैसे खर्च करने की बजाय, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जब तक हम क्रीमें यूज़ करते रहें तो उनका फ़ायदा हमें मिलता रहता है, और जब हमें छोड़ दें तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल और बेरौनक हो जाती है। क्रीम को यूज़ करके केमिकल वाली क्रीमों को यूज़ कर करके हम अपना कुदरती निखार भी खो देते हैं। तो आप उन सारी चीज़ों को स्किप करके नेचुरल चीज़ों पे तवज्जो दें, नेचुरल चीज़ों से अपनी स्किन की केयर करना सीखें। तो आपके फेस बहुत ज़्यादा ग्लो भी करेगा और आपका फेस बहुत लंबे अरसे तक स्मूथ और आपकी फाइन लाइंस को ये रिमूव करेगा। फाइन लाइंस नहीं आएंगी आपके फेस पे, क्योंकि जब हम क्रीमें यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन जो है ना वो बिल्कुल ब्रेक होना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद हमारे फेस पे फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग केमिकल वाली क्रीमों से गुरेज करें और उनको स्किप करके नेचुरल चीज़ों पर तवज्जो दें और नेचुरल चीज़ों से अपने फेस की केयर करना सीखें। नेचुरल चीज़ें बहुत लंबे अरसे तक अपने आपके फेस को यंग रखती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होंगी। इस मास्क में मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं सारी ह्यूमिडेड और नेचुरली हैं, तो इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आप इसे बना के 1 वीक के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप बेसन यूज़ नहीं करना चाहती तो आप इसकी जगह ड्राई मिल्क या गेहूं का आटा भी, लेकिन ये अगर आपने गेहूं का आटा यूज़ करना है तो फिर आपने इसे बना के फौरी अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। आप उससे स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर आप इसकी जगह ड्राई मिल्क यूज़ करेंगे तो फिर आप इसे 1 वीक के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो आप इसे रेगुलर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। पहली दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे इसके। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जाने से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।